नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जो 15 डे रिवीजन प्लान है हमारा उत्तर ग्राम विकास अधिकारी के लिए, वो यहाँ पर कंटिन्यू है। आज जो 5 बजे आपको वीडियो मिला था उसमें लेट हो गया, वो नहीं मिल पाया है, तो उसी वीडियो को हम यहाँ पर अभी प्रोवाइड करेंगे आपको, और हिंदी का भी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा आज ही के दिन। दोस्तों, ये जो 15 डे रिवीजन प्लान है जिसमें मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान की क्विजेज आपको करवा रहा हूँ, तो इसमें दोस्तों हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम में डिफरेंस हो जाए, जो मैंने टाइम बताया है वीडियो अपलोड होने का, लेकिन आपको डेली वीडियो प्रोवाइड जरूर किया जाएगा, तो आप हमारे चैनल को विजिट जरूर कर लें। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं टाइम पे वीडियो को प्रोवाइड करूं, और जल्द ही एक दो तीन दिन के बाद जल्द ही मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स का भी वीडियो प्रोवाइड करने लगूंगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज एडमिट कार्ड आ चुके हैं ग्राम विकास अधिकारी के, तो ये तो कन्फर्म हो गया है कि 22 और 23 को एग्ज़ाम होगा, तो ज़्यादा दिन हमारे पास नहीं बचे हैं, तो जितना हो सकता है आप ज़्यादातर रिवाइज कर सकते हैं हम लोग, और करंट अफेयर्स की भी क्लास यहाँ पर जल्दी हम चालू करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते रहें यहाँ पर, और ताकि मैं इन सीरीज़ को कंटिन्यू यहाँ पर जारी रख लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, तो वह है यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस से जो क्वेश्चन हैं UPSC की विभिन्न परीक्षाओं में उन्हीं में से लिए हैं, ठीक है। तो यूरोप का जो मछुआरी क्षेत्र डागर बैंक है, ये कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन हमारा ये है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। जो यूरोप का जो प्रमुख मछुआरी क्षेत्र है डागर बैंक, उत्तरी सागर में स्थित है, ठीक है। यह उत्तरी सागर में स्थित बालुई किनारा है, इसका छिछला भाग 100 किलोमीटर है, पूर्वी किनारे पर इंग्लैंड तक स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, अकबर नामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। सभी को दोस्तों पता होगा अकबर नामा के जो लेखक थे वो कौन थे, अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है। दोस्तों, एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है, क्या बढ़ा सकती है, बेरोजगारी, कार्बन पश्चिम, निर्यात या राष्ट्रीय आय। तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, आंसर आपका हो जाएगा बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर ड्री त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। जो ड्री त्यौहार है ये अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, यह कृषि उत्सव है, ठीक है। ये 5 जुलाई को मनाते हैं, यह 4 जुलाई शाम से शुरू हो जाती है। इसमें वे देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि इस बार की फसल अच्छी हो, वे इसके लिए अंडे या जानवरों की बलि भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। तो दोस्तों, भारत में नवपाषाण काल गुफा जो चित्रकारी है ये आपकी भीमबेटका में मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका यहाँ से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा है। तो दोस्तों, इनमें बेकिंग सोडा कौन सा है, सभी को पता होना चाहिए बेकिंग सोडा होता क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये आपका बेकिंग सोडा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला क्या होता है बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये होता है आपका NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन सी शाखा है जो ट्यूमर के बारे में बताती है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑन्कोलॉजी, ठीक है। जो ऑन्कोलॉजी है इसमें ट्यूमर या कैंसर उपचार संबंधी विज्ञान आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। तो दोस्तों, वो जो रंग है प्रकाश का वो है आपका लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा यहाँ पर, ए सही आंसर हो जाता है। जो लाल रंग है ये शून्य वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से तेज गमन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी। काफ़ी जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी। तो दोस्तों, गुप्त काल की जो प्रसिद्ध महिला शासक थी वो थी प्रभावती गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। जो प्रभावती थी ये गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, और इनका दोस्तों जो विवाह है ये वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। तो मेकांग, पर्ल, गंगा या यांग्त्ज़ी, कौन सी नदी है जो
पूर्वी चीन में बहती है। तो देखिए नाम से ही जाहिर होता है यांगसे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए दोस्तों कास्ट बेल का मतलब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो उत्तर प्रदेश में इटावा में स्थित है जलेशर, एक प्रकार से कस्बा या टाउन है, ये ब्रांस और पीतल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे ही कास्ट बेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए ब्रांस में लोहा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी की केंद्र से दूरतम बिंदु पर है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा कि कौन सी चोटी पृथ्वी की केंद्र से दूरतम बिंदु पर है, तो आंसर आपका हो जाएगा माउंट चिम्बोर्जो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जो माउंट चिम्बोर्जो है ये आपकी पृथ्वी की केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, किस जिले में घटी? तो सभी को पता है ये जो घटना है ये गोरखपुर जिले में घटी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नदी द्वीप कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको इसमें बैरन द्वीप, माजुली द्वीप, सेलसेट द्वीप या रोज द्वीप, इसमें से नदी द्वीप कौन है? ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका मालजी द्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लठ मार होली कहाँ मनाई जाती है? ऑप्शन है बरसाना, वृंदावन, वाराणसी या कुशीनगर। तो दोस्तों जो लठ मार होली है ये आपकी बरसाना में मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जो लठ मार होली है ये बरसाना में खेली जाती है। ये जो होली है मथुरा के दो कस्बों बरसाना और नंदगांव के बीच खेली जाती है। ठीक है, यहाँ पौराणिक काल से ही कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाएँ प्रचलित हैं। बरसाना राधा का घर था, इसी कारण वहाँ पर लठ मार होली आज तक खेली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। तो दोस्तों 1916 का जो लखनऊ समझौता था यह महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो दोस्तों जो सूर्यमुखी होती है इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है ये आपकी होती है रीगर या रेंगुर मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों है, सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया? तो दोस्तों जो सरकार द्वारा सबसे पहले किस भाषा को एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया था, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा तमिल भाषा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहां पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे? तो वो थे आपके जतिन दास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट और जो अंतिम क्वेश्चन है आज के इस जीएस सेशन का, तो वह है, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो दोस्तों जो संसद के खर्च हैं ये आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियुक्ति नियंत्रित की जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है, जिसे आप कैग बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके द्वारा आपके संसद के खर्च नियंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान की क्विज। इसी तरह से आपको अभी थोड़ी देर के बाद आपको सामान्य हिंदी की भी जल्द ही मिल जाएगी, 10 बजे तक आपको उसकी भी क्विज अपलोड कर दी जाएगी। और ये 15 डेज का आज डे 9 था, और इसी तरह से 15 डेज तक का ये सारा रिवीजन हम लोग कर लेंगे यहाँ पर। और अगर आप इसके प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं 15 डे रिवीजन प्लान के, तो मैंने ग्राम विकास अधिकारी 15 डे रिवीजन प्लान के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।